नमस्ते दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट थ्री जैकोबियंस ये पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन। इफ जेड इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स से यू एंड वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, दैट मीन्स Z directly depends on U and V, where U and V are dependent on X and Y. So, Z is compositely dependent on X and Y. Then, Jacobian is denoted and defined as J equal to del U V, जो dependent variable है ये ऊपर हो गए, del U V by del X Y, independent variables नीचे हो गए, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फर्स्ट रो में वी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड रो। यहाँ ये नोट करने की बात है, जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, सो दैट वी कैन गेट स्क्वायर अरेंजमेंट फॉर दिस डिटर्मिनेंट। It is called Jacobian of Z with respect to X and Y. If Z is function of XY, where X is function of UV and Y is function of UV, मतलब एक तरह से इसका इनवर्स, ये Z X और Y पर डिपेंडेंट हो गया और X और Y UV पर डिपेंड, रोल इनके इंटरचेंज यदि हो जाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, देन Jacobian del XY by del UV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नीचे होंगे, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वी, ये फर्स्ट रो में लिखे सफिक्स नोटेशन के साथ, और सेकंड रो में वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड इट इज डिनोटेड बाय जे डैश। नोट दैट जे जे डैश इक्वल टू वन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू जैकोबियन जे एंड जे डैश इज वन, सो वी कैन से दैट जे डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ जे एंड वाइस वर्सा, जे डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ जे और जे इज रेसिप्रोकल ऑफ जे डैश। नाउ सम एग्जाम्पल्स, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन अगेन। इफ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। So first, by definition, Jacobian of U, V, W with respect to X, Y, Z is determinant of partial derivatives. First row of U, second of V, third of W. U ke partial derivatives with respect to X, Y, Z. Then second row mein V ke partial derivatives with respect to X, Y, Z. Or third mein W ke partial derivatives with respect to X, Y, Z. This can be differentiated, this can be find from this relations. To ek row pehle complete karte hain. U का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उस केस में yz कांस्टेंट जैसे हो गए, x का डेरिवेटिव 1, ये मिल गया yz। U का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, अब y वेरिएबल का काम कर रहा होगा, xz कांस्टेंट जैसे होंगे, xz कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू z गिव्स xy। सिमिलरली अदर डेरिवेटिव्स, इसका v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यदि फाइंड करना है, तो यस इस टर्म में x है तो y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ x है नहीं डेरिवेटिव 0, यहाँ पर x है तो वेरिएबल x उसका डेरिवेटिव 1, साथ में कांस्टेंट है z, तो हो गया y प्लस z, रिमेनिंग कैन बी फाउंड आउट सिमिलरली। ये सिंपल सा है, डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x 1, विथ रिस्पेक्ट टू y 1, विथ रिस्पेक्ट टू z 1। नाउ एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट, वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू माइनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ये लिखा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विथ नेगेटिव साइन माइनस एक्स जेड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये वाई प्लस जेड इंटू वन माइनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन इंटू एक्स प्लस वाई, ये सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म एक्स वाई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू माइनस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन इंटू एक्स प्लस जेड, ये टर्म।
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल होते दिखती है, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई बचा, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस x बचा, यहाँ पर z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल हुआ, z माइनस x बचा, यहाँ z कैंसिल होगा, y माइनस x बचा, यस ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करके अब इसको जिस किसी फॉर्म में रखना चाहे उस किसी फॉर्म में रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन और जेड स्क्वायर कॉमन लेके आंसर छोड़ दिया है। शो दैट का प्रॉब्लम होगा तो जो दिया होगा एक्सप्रेशन उस फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। यस नेक्स्ट, इफ यू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, वी इक्वल टू वाई अपॉन जेड माइनस एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल टू z upon x minus y, then show that Jacobian of u v w with respect to x y z is zero. So yes, we are given function u v w by definition of Jacobian. Jacobian of u v w with respect to x y z is determinant of first row partial derivatives of u, second with respect of v with respect to x y z, and third is partial derivative of w with respect to x y z. We find first row डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, u को x से डिफ्रेंशिएट करने के लिए x इज वेरिएबल, 1 अपॉन y माइनस z इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो 1 अपॉन y माइनस z कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव हो गया 1। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू y करते समय y डिनोमिनेटर में है तो x कॉन्स्टेंट रहा, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते तो हमको मिलता था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ वही रूल अप्लाई करके x कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव विल बी माइनस वन अपॉन वाई माइनस जेड का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन विच विल बी वन, फिर यू का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, अगेन जेड इज देयर इन डिनोमिनेटर सो एक्स इज कॉन्स्टेंट, माइनस वन अपॉन वाई माइनस जेड का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, ये डिनोमिनेटर फंक्शन, इट विल बी माइनस वन। सिमेट्री है बाकी के फंक्शंस में तो बाकी के जो डेरिवेटिव्स है वो फाइंड किए जा सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करके रीराइट कर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गई जैसे यहाँ टर्म, या माइनस एक्स अपॉन, ये सब सिंप्लीफाई करके रीराइट कर लिए। अब इनको यदि ऑब्जर्व करें तो वाई माइनस जेड का स्क्वायर दो जगह है डिनोमिनेटर में, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर करके ऊपर वाई माइनस जेड एक छोड़ देते, तो ये बन जाएगा वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड का स्क्वायर, तो हम पूरा वन अपॉन वाई माइनस जेड स्क्वायर ये फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकते हैं। यही काम बाकी दो रो के साथ करेंगे, कॉमन ले लिए डिटर्मिनेंट में, ये इतनी रिमेनिंग टर्म बची, फिर अभी हमने देखा था कैसे इसको एक्सपांड करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट को, एक्सपांड करके ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हुए, ब्रैकेट पूरा 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 आराम से सिंप्लीफाई करते हुए ये बाहर वन अपॉन ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स का स्क्वायर है, ये तीनों फैक्टर ये है, और ये जो एक्सपेंशन है इसको यदि सॉल्व करने के बाद देखें तो सब टर्म एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, बच गया न्यूमरेटर ज़ीरो अपॉन समथिंग इज देयर इन डिनोमिनेटर, सो रिजल्ट विल बी ज़ीरो विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। सो विद दिस आवर चैप्टर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। जय गणित।